नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो सेल्फी की लत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हांगकांग की मशहूर मॉडल सोफिया को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 32 साल की सोफिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए सेल्फी ले रही थी, जिसके दौरान वे ऊंचाई से गिर गई और उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि सोफिया बीते शनिवार को अपने दोस्तों संग हांगकांग के हा पार्क लाइट नेचर पार्क घूमने गई थी। इसी दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ है। सोफिया को हादसे के बाद आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये हादसा हा पार्क लाइम के माउंटेन्स के पास हुआ। ये मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दोस्तों, सोफिया की सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोइंग ज़बरदस्त थी। उनके पोस्ट पर खूब लाइक्स भी आते थे। इंस्टाग्राम पर उन्हें 25,000 से ज़्यादा लोग फॉलो भी करते थे। वे एक इन्फ्लुएंसर भी थी। आपको बता दें कि सोफिया की पहचान सोशल मीडिया पर एक साहसी महिला के रूप में हुआ करती थी। वे पहाड़ों पर किए गए अपने एडवेंचर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर किया करती थी। यूज़र्स ने सोफिया के निधन पर दुख जताया है और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह हादसा पहला नहीं है। भारत में आए दिन सेल्फी के शौक के चलते लोगों की जान जाती है। हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते वक्त कट के मर भी जाते हैं लोग। इसके अलावा पहाड़ से गिरने की भी तमाम खबरें सामने आती रहती हैं। दरअसल ये सारा स्टंट सोशल मीडिया पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी कभार अपनी जान भी लोग गंवा देते हैं। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।